युद्ध, प्यार, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ झेल रहा है हमारा नीला ग्रह। और आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे सुंदर से ग्रह को बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जो आज हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, वो कितने सालों की कठिन मेहनत का फल है, क्या आप जानते हैं? आइए आज हम चलेंगे समय में पीछे और शुरुआत से जानेंगे हमारे पृथ्वी के एक चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीवन से समृद्ध ग्रह बनने तक के सफर को। तो आइए हम समय में पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नया जन्मा तारा जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पर हमारे पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। लगता है हम समय में कुछ ज़्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। यह चट्टान और धूल अब गुरुत्वाकर्षण के बल से आपस में जुड़ने लगे हैं। कई लाख सालों के बाद एक भीम का चट्टान के गोले में बदल चुके हैं, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि अभी यह बहुत गर्म है। यह आज के वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह खोलते हुए लावे से ढकी है। इस समय धरती की सतह का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यह जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पर लगातार एस्टेरॉयड्स की बरसात हो रही है जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खोलते लावा की नदियों का निर्माण कर रहे हैं। और ये एस्टेरॉयड्स कहीं दूर के नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी हैं जो लगातार उससे टकरा रहे हैं। ऊपर देखिए, यह है नया नवेला ग्रह थिया जो तेजी से हमारी ओर यानी कि धरती की ओर बढ़ रही है, करीब 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा तेज। हमें इसका स्वागत करना होगा क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होगी। अब हमारी धरती चारों तरफ अनगिनत चट्टानों के टुकड़ों से घिर चुकी है। यहाँ इतने सारे चट्टानों के टुकड़े हैं कि इस वक्त हमारी धरती के पास भी शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग बन चुका है जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग की तरह ही दो भागों में बटा हुआ है। इसका पहला रिंग आज के धरती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से एस्टेरॉयड्स लगातार धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्टेरॉयड्स की असल बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई है। अब यह रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से 3000 किलोमीटर चौड़े गोली पिंड में बदल जाएंगे और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। यह है हमारा चांद, इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है और ये अब हमारे धरती की काफ़ी नज़दीक है जिसकी वजह से ये हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका सरफेस अभी पूरी तरह से गर्म लावा से बना है और इतने करीब होने की वजह से ये लगातार धरती पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे सौरमंडल के गैस जायंट्स अपने ऑर्बिट्स में बदलाव कर रहे हैं और इस बदलाव की वजह से सौरमंडल के एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मैस तैयार हो रहा है जो उन एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स को सौरमंडल के आंतरिक भाग में ढकेल रही है, सीधे सीधे मंगल, शुक्र, बुध और हमारे धरती की ओर। यही वो समय है जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉयड्स की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस समय को कहा जाता है द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। बाय द वे, इस समय हमारा चांद भी बहुत ज़्यादा गर्म था और ये धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा प्रभावित करता था। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि केवल 6 घंटे का होता था और इसके कारण धरती के लावा की नदियों में लहरें आज के समुद्र की लहरों से 20 गुना ऊपर तक उठती थीं। लेकिन भला हो हमारे चांद का जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारे धरती से दूर चला जाएगा और इससे धरती की घूर्णन धीमी होने लगेगी और लावा की नदियां ठंडी होने लगेंगी जिससे धरती की सतह का निर्माण होगा। इस वक्त आसमान में यह भीम का चमकीला चांद ही मात्र एक चीज नहीं है जो आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि अब आपको दो बहुत ही चमकीले तारे भी आसमान में देखने को मिलेंगे। लेकिन वो दोनों असल में तारे नहीं हैं, ये दोनों असल में ग्रह हैं, जुपिटर और सैटर्न। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, वीनस, मर्क्यूरी, मार्स, ये सब रॉक के प्लैनेट्स हैं और ये ज़्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन वही जुपिटर और सैटर्न असल में गैस जायंट्स हैं जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकते हैं।
धरती के जन्म के इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है कि जुपिटर उस समय हमारे सूरज से भी ज़्यादा चमकीला था। जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था। लेकिन 4 अरब साल के लंबे अवधि में यह ग्रह भी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। आइए चलते हैं वापस हमारी धरती पर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल केवल एक ही गैस है, मीथेन। द लेट हैवी बम्बार्डमेंट के दौरान धरती पर कॉमेट्स की भी बरसात हुई थी, जिन्होंने अपने साथ पानी का धरती पर परिवहन किया था। इस पानी ने धरती में समुद्र का निर्माण किया। धरती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन ना तो यहाँ पैर रखने के लिए जमीन था और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हमारी धरती अभी कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जीवन का बीज नहीं पनपा है। आखिर इसके बाद क्या हुआ था और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप इस सीरीज़ के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को ज़रूर देखिए। ये दोनों एपिसोड्स ऑलरेडी चैनल पर हैं। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर के आई बटन के लिंक में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।